हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है थर्सडे और आज अभी बज चुके हैं 7 शाम के और सुबह से मेरी बजी हुई है बैंड बुरे वाली। अभी मैं खड़े होकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ क्योंकि मेरा फोन यहाँ चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो यहीं पे मैंने ट्राइपॉड पे चार्जर लगाया हुआ है और मेरा ये वाला बहुत ज्यादा इसमें पेन हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे मतलब लग गया, बट आज परी ने हालत खराब कर रखी है। एक्चुअली सुबह से उसकी तबीयत आप लोगों को पता है ठीक नहीं है, तो सुबह से वैसे उसको गोदी 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 से नीचे नहीं उतरी है। मतलब मैंने कपड़े वॉश किए तो कपड़े भी मैंने उसको गोदी लेकर के सुखाए हैं, इतनी हालत खराब है। और मेरी अब मतलब कमर के बैंड बच चुकी है और वैसे तो आप लोगों को लग ही रहा हालत खराब है। और शैम्पू करना था कल, एक्चुअली कल के जो आज मैंने वीडियो डाली है जो मेकअप की, तो थोड़ा सा ना ऐसा ही होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो मम्मी है वो समझ सकते हैं क्योंकि पास कितना टाइम होता है। मुझे कल हेयर वॉश करना था बट मैं नहीं कर पाई, तो जैसे भी मैं हेयर थे थोड़े से ऑयली हो रखे थे, उनमें जो मुझे क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल ठीक लगा वो मैंने कर लिया। और यस, मैं नेल पेंट के लिए भी आया था, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे नहीं मतलब एक दो कमेंट आए हैं नेल पेंट के लिए कि मैंने तब लगाई थी जब आप लोगों को दिखाया था, उसके बाद चेंज नहीं की, कर ही नहीं पाई मैं यार, क्या करूँ। तो आज देखती हूँ मैं, अभी रात को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया तो मैं करूंगी। और इतना दर्द हो रहा है ना, मतलब बातें भी नहीं हो पा रही मुझसे खड़े होके, बट करनी है मुझे, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बातें करके। और मैंने अभी फिर विनोद को फ़ोन किया कि अभी आ जाओ, तो 5:30 बजे के आसपास, हाँ 5 बजे आ गए थे विनोद, 5 बजे विनोद आए हैं। और उन्हीं को बोल दिया था कुछ खाने के लिए आओ, बहुत भूख लगी है। तो उसके बाद से तो परी विनोद के पास ही है। फिर मैंने किचन सुबह से पड़ा हुआ था, बाकी मैंने घर का काम कर लिया था, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी वो मैंने कर ली थी, डस्टिंग वगैरह तो हो गई थी जब परी सो रही थी, कुछ वीडियो एडिट की मैंने, ये वाली जो आज मेकअप वाली डाली है ये वीडियो एडिट करके डाली। तो जब तक वो सोई बस यही काम हुआ था, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हो पाया। और अभी बर्तन भी मैंने अभी क्लीन किया सुबह से, उधर किचन अभी क्लीन हुआ मेरा। और अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, पानी गर्म हो रहा है और हालत खराब है। डिनर की थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कर ली है क्योंकि परी खेल रही थी, मैं सोचा कर लूँ निपटा लूँ जितना काम होगा। अभी विनोद गए हैं परी को बाहर लेकर के। और यस, इम्पोर्टेंट बात मुझे ये करनी थी कि purple.com पे सेल लगी हुई है, तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं वो मुझे आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि अगर सेल चली जाएगी तो फिर उसका फायदा नहीं है रिव्यू करने का। तो अदरवाइज मैं 2 से 3 दिन तक, मतलब 2-3 दिन क्या मतलब 1 वीक यूज करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को किसी चीज का रिव्यू देती हूँ। या मैं जो बहुत पहले से यूज करती आ रही हूँ, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है मैं उस चीज का आप लोगों को रिव्यू देती हूँ। बट ये वाले जो प्रोडक्ट्स है ये क्या है, मैंने ये सुबह जो भी मेरे घर में था, मतलब मेरा देवर आया हुआ है वो हाँ उसको तो नहीं, वो तो गया हुआ था उसको नहीं दिए। यस, नीरव ने और विनोद ने ये यूज़ किए हैं तो उनका रिव्यू आ चुका है और मैं भी जा रही हूँ इनको यूज़ करने के लिए। तो मुझे ये जैसे अच्छे लगेंगे मैं उसके बाद ही मतलब आप लोगों को जो भी होगा इसका रिव्यू दूंगी। और वहाँ पे सेल चल रही है 27 नवंबर तक 25% कोड के साथ, तो बहुत ही अच्छा है। इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मैं यूज़ करती हूँ ऑलरेडी, मेरे पास से आप लोगों ने देखी भी होगी क्योंकि मैंने बहुत बार दिखाई है आप लोगों को मेकअप में। तो अभी मैं उनको यूज़ करके आती हूँ, फिर आप लोगों को उसका रिव्यू देती हूँ और दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ थी, और उनमें से जो चीज़ मेरे पास पहले से है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैं उनको यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ, मैं बाद में बताऊँगी कि मैं डिनर में क्या बना रही हूँ, बस मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। और यार मैं बात करते करते भूल जाता हूँ क्या बात कर रही थी, मैं ऑयलिंग की बात कर रही थी कि कल मुझे वॉश करने थे बट टाइम नहीं मिल पाया, और आज वीरवार हो गया तो मैंने आज अवॉइड कर दिया। मैं कल करूंगी हेयर वॉश और संडे को जाना है मुझे कहीं पर फंक्शन में किसी, तो संडे को फ्राइडे चल जाएंगे, संडे से क्या देख लूंगी, संडे को भी अगर वॉश करने होंगे तो कर लूंगी, रिक्वायरमेंट होगी तो, अदरवाइज फिर देखते हैं। और तो चलिए फिर मैं नहा के आती हूँ और फिर आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने अभी बर्तन वॉश किए हैं, सारा दिन के ये हैं, और आज मैं बनाऊंगी गोभी और आलू की सब्जी थोड़े से अलग स्टाइल में, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। मैं इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, तब तक ये बॉईल हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने पालक और टमाटर रखे हैं, इनको भी बॉईल हो जाएंगे, तो आप गेस कर सकते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा गैस, और इसमें मैं अदरक भी डाल दूंगी, अदरक और ये सब चीज़ें मैं एक साथ बॉईल कर दूंगी और ये दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी जब तक मैं नहा करके आती हूँ, और फिर करते हैं डिनर प्रिपरेशन।
बायो एप्रिकॉट बॉडी वॉश और ये 100% सो फ्री है. तो अगर आप विंटर में आपको प्रॉब्लम होती है ड्राई स्किन की तो दिस इज द बेस्ट बॉडी वॉश, क्योंकि 100% सो फ्री है तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. और आपको फर्स्ट वॉश के बाद ही पता चल जाएगा कि इसमें और जो नॉर्मल जो हम सोप यूज करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है. उसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है. और इसके सबसे अच्छे बात बायोटिक की यही है कि 100% आयुर्वेदिक होती है. और ये तो मतलब एक वेल नोन कंपनी है तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा. और परी भी दिखा रही है यहाँ पर अपना. और परू ये ले लेना, ये ले लो. और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये बायो बर्बेरी क्लींजर. तो ये है ऑल स्किन टाइप के लिए और ये ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सब स्किन को सूट नहीं करते हैं. बट ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑल स्किन टाइप को सूट करेंगे. तो ये है क्लींजर. आप इसको मेकअप रिमूवर के जैसे भी यूज कर सकते हैं और एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं. तो आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं. मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने इसको एज अ क्लींजर यूज किया है, टोनर क्लींजर और मेकअप रिमूवर. मतलब किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. एज ए सीरम भी इसको यूज कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा है. ये है बर्बेरी क्लींजर. तो इसे मैंने मेकअप रिमूव करके नहीं देखा है. मैं इसको जब मेकअप रिमूव करके इसको देखूंगी तो मैं इसको बताऊंगी. बट एज ए क्लींजर ये बहुत ही अच्छा है. मैंने जस्ट अभी किया था तो बहुत ही अच्छे से इसे क्लींज किया और ये कहीं से भी ड्राई आउट नहीं करता स्किन को. तो दिस इज द परफेक्ट. नहीं, और उसके बाद बारी आती है सीरम की. तो ये है इसका ये वाला सीरम है. ये जो इसकी क्वांटिटी है ये काफी है. तो ये मुझे आया था रिव्यू के लिए और 190 ml का है और ये है 690 rupees का. बट इसी का ये है छोटा जो मैं यूज करती हूँ पर्सनल यूज के लिए. ये आप देख सकते हैं ये खत्म भी हो रखा है. ये मुझे रिव्यू के लिए आया है और ये मैं खुद ही यूज कर रही हूँ. तो ये तो बेस्ट है. मतलब अगर आप सीरम में अगर आप हाई उसमें जा रहे हैं हाईप्रास में जा रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है. बट एक बजट के अंदर ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. बट इसका सिर्फ ये थोड़ा सा इसका लगता है कि आप इसको 15-20 दिन यूज करेंगे उसके बाद ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. एकदम से आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. बट ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रही हूँ. उसके बाद बारी आती है बायोटेक की कोकोनट क्रीम. तो ये वाली है जो मुझे रिव्यू के लिए आई है. मैं दिखा देती हूँ. ये जो मैं यूज कर रही हूँ अपनी वो, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है क्योंकि ये सेम यही है. तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको यूज कर रही हूँ और मैं हर बार मतलब मैं उसमें आप वीडियो में आप इसको देखते होंगे यूज करते हैं. तो ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है और बहुत ही अच्छी व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम है. तो इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है. और ये मैं विंटर के लिए आपको बता रही हूँ, विंटर के लिए बेस्ट है. और उसके बाद ये इसका लिप बाम है बायोटिक का. बहुत पुराना लिप बाम है ये मेरा और ये मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ. ये रिव्यू के लिए नहीं आया, जब सब चीजों का बता ही रही तो मैं आपको बता दूँ. ये है आलमंड वाला लिप बाम है ये. और लास्ट ईयर मैंने इसको परचेज किया था तो अभी भी चल रहा है, बहुत चलता है ये. उसके बाद है बायोटिक का सैंडलवुड सनस्क्रीन. ये है इसमें ये सनस्क्रीन लोशन फेस लोशन कुछ भी आप इसको बोल सकते हो. जो इसकी खुशबू लगी मुझे बहुत ही अच्छी लगी. सारे प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं. बस जस्ट मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ उन पे और ये सबको बताया कि बायोटिक के प्रोडक्ट कैसे होते हैं. और ये है सैंडलवुड, इसकी खुशबू बस मतलब पागल कर रही है आप लोगों को. और ये है बहुत ही अच्छा है. ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो एज ए सनस्क्रीन इसको यूज कर सकते हैं और लोशन भी यूज कर सकते हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पहले इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हैं अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो. अदरवाइज दोनों में से कोई भी आप एक चीज यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगी. तो और ये है उसके बाद है एक सोप. ये भी बायोटिक का सोप है. इसमें है तुलसी है और बहुत सारे ऑयल है. सॉरी इसका ये खाली बॉक्स है, बाकी ये वॉशरूम में रखा हुआ है. तो ये बहुत ही अच्छा है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है और ये आयुर्वेदिक है. एज अ मेडिसिन प्रॉपर्टी है, इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी है. फ्रूट और वेजिटेबल से बना हुआ है तो इसमें तुलसी वगैरह है, कोकोनट ऑयल है, आरंडी ऑयल है, नीम ऑयल है, बहुत सारी चीजें इसमें.
और ये बेस्ट है, मतलब हर चीज ही बेस्ट है बर्गर की। तो जो लास्ट मेरा प्रोडक्ट है स्किन केयर में वो है बायोटिक का, सॉरी ये है गुड वाइब्स का, और गुड वाइब्स के भी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं और मैंने इसको भी यूज किया, बहुत ही अच्छी है। इसमें ये पैराबिन फ्री होता है, सल्फेट फ्री होता है। इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री है। तो जो पैराबिन होता है वो क्या करता है, वो आपकी स्किन कैंसर का कोज होता है, स्किन कैंसर को बढ़ाता है अगर वो किसी भी प्रोडक्ट में अगर पैराबिन है तो। इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट लें वो प्लीज 100% उसको शो करें कि वो पैराबिन फ्री हो, चाहे कितने भी वेल ब्रांड कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, लेकिन आप ऐसे आग बंद करके उस पर विश्वास ना करें। तो मुझे गुड वाइब्स इसीलिए अच्छे लगते हैं, पर इनको सोना है कि ये पैराबिन फ्री और सल्फर फ्री होते हैं। तो ये है गुड वाइब्स क्रीम और ये भी बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसको एज ए नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट और इन सबका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगी। और अभी चल रही है सेल जो कि 29 नवंबर तक सेल चलेगी, तो आप अगर आप कोई चीज इनमें से परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। तो चलिए फिर मैं अभी डिनर परी को सुलाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। मुझे बनानी थी आलू गोभी एक डिफरेंट तरीके से, बट मैंने ये हल्के से इसको बॉईल करके रख दिया है ताकि जो इसमें अगर कुछ था वो निकल जाए। तो इनको पहले नमक के पानी में थोड़ा सा बॉईल करने तो अच्छा होता है, तो बॉईल करके रख दिया। और विनोद ने बोला कि भी रोटी नहीं खानी है उनको, तो सब्जी मैं फिर मॉर्निंग में ही बनाऊंगी। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये मेरे पालक और टमाटर मैंने बॉईल कर लिया था, मैं बनाने जा रही हूँ आज पालक का सूप। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये अभी थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी ये निकाला है मैंने, आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, तो धुआं नहीं भाप निकल रही है। तो अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यार मेरे को ना मतलब एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इतने नेगेटिव कमेंट कैसे करते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव कैसे सोच रहे हैं, कैसे कैसे कमेंट डाले ना जो मैंने मेकअप की जो वीडियो डाली है उस पे। एक्चुअली मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, आप लोगों को पता है, और जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो परी खेल रही है और विनोद कर रहे हैं फोन पे बात। तो एक्चुअली क्या होता है कि मुझे बहुत मतलब अच्छे कमेंट मिलते हैं, जैसे नीरव से, इन से, आसपास से जो भी मतलब देखता है तो वो अच्छा ही बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कभी कभार कोई चीज करते हो तो अच्छी ही लगती है अगर आप उसने आपने अच्छे से किया है। तो मैंने अच्छे से किया था, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब मेकअप से। तो मेरे भी बहुत सारे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है। तो बट मैंने जो मैं एक बिगनर बोल लो आप या कुछ भी बोल लो, मतलब कि एक हाउसवाइफ जो भी हम नॉर्मली करते हैं कैसे करते हैं, वो चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उसमें भी लोगों को मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए छोड़िए जो भी है। और ये जो पॉजिटिव कमेंट होते मैं समझती, जैसे मेरे आईब्रो के लिए बोला था शेप में नहीं, क्योंकि यार मैंने कब करवाई थी मैंने आईब्रो, जब मैंने नीरव के साथ मॉल गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नीरव ने जबरदस्ती मेरे आईब्रो करवाई थी उस दिन, शायद करवा चौथ के आसपास, शायद से भी ध्यान है, तब मैंने लास्ट करवाई थी। तो मेरे आईब्रो तो यस मुझे पता है ग्रोथ नहीं है, तो बट मुझे जाना था और मुझे करना पड़ा, तो मैंने आप लोगों से वैसे ही शेयर कर दिया, वो मैं एग्री करती हूँ। कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, वो आपको इम्प्रूव करने के लिए बताए जाते हैं, तो मुझे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनको बहुत अच्छे से लिया। बट जो नेगेटिव जिनको बोलना ही नहीं आता उनके बारे में क्या बोले, कुछ नहीं बोलते हम, छोड़ देते हैं हमको, जाने दो फोन की प्रॉब्लम है, वो क्या बोल रहे हैं। बनाने के लिए जो पालक है उसको पहले पीस लूंगी, पालक और टमाटर को इकट्ठा पीस लूंगी, आप चाहें तो अलग भी पीस सकते हैं। और इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, वो भी इसी के साथ पीस लेना है। तो इसका अच्छे से जो पेस्ट है वो बना लेना है। और ये वंडर शेफ का जो रिव्यू आ रहे हैं मेरे पास वो बहुत बेकार आ रहे हैं, आप लोगों के रिव्यू पढ़ गए तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं मेरा भी ना ख़राब हो जाए, बट अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कि सही है क्या नहीं, क्योंकि लोगों के रिव्यू बहुत ही अच्छे नहीं है और मेरा अभी सही चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को मैं निकालूंगी एक बर्तन में।
तो इस पेस्ट को निकाल लेना है एक बर्तन में, और आप जितना इसको पतला चाहे उतना बना सकते हैं, उतना ही आपको पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है, और फिर इसको छान लेंगे ताकि जो इसकी जो भी रोए वगैरह है, जो अदरक के या टमाटर के जो छिलके थे वो इसी के अंदर रह जाए। तो इसको अच्छे से छान लेना है, अगर अदरवाइज तो फिर जब मुँह में आएंगे तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग जितना पतला करना था उतना पतला कर लूँगी, और फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर से बॉयल होने के लिए रख देंगे। और जब ये बॉयल हो रहा है तो मैं इसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जैसे भी नमक खाते हैं, और 1/2 चम्मच काली मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च यूज़ नहीं कर रहे, तो काली मिर्च से टेस्ट भी अच्छा आता है और वो आपके स्टमक के लिए भी अच्छी होती है। और यहाँ पे मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने मलाई डाल दी है 1/2 स्पून, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। उसके बाद इसको बॉयल करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 स्पून जो लेमन जूस है, वो अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो ऐड कर दीजिए, बट मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं था तो मैंने उसका जो जूस रखा हुआ है वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मैं इसको निकाल दूंगी अपने, आपको जिसमें भी इसको पीना है आप निकाल दीजिए। तो विनोद अभी बाहर गए इसलिए मैंने इसको कप में निकाल दिया है, और नीरव के लिए मैं इस बॉल में निकाल दूंगी ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो मलाई है, फ्रेश मलाई है मेरे पास, वो अगर आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ सकते हैं, बट अगर हेल्दी ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो मलाई हर घर में होते हैं, आप उसमें मलाई ऐड कीजिए। और बस ये मेरा बनके रेडी हो गया है बहुत ही जल्दी, और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी डिनर रेसिपी। तो बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। तो सूप हो गया मेरा रेडी फटाफट से, और बहुत ही यम्मी बना है, मस्त। बस विनोद और परी आ जाए, आ गए थे तो वापस चले गए। तो ये है आज का हमारा डिनर, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो परी भी यही पिएगी, विनोद, नीरव, मतलब हम सब का डिनर यही है। रोटी किसी को नहीं खानी है, चलो भी शाम को मैंने ये थोड़ा सा जो बाहर से मंगवाया था वही हम सब ने खाया है, और उसमें सबका पेट फुल है तो कुछ लाइट सा चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ये ऑप्शन चूज किया। और ये जिन लोगों को, यस, जो लोग मैंने एक वीडियो डाली थी ना वेट लॉस के लिए, तो ओट्स की जगह अगर आप ओट्स नहीं खाते तो आप ये वाला कोई भी सूप, वेजिटेबल सूप, पालक सूप, टमाटो सूप, जो चाहे आप वो सूप आप रात को बना करके ले सकते हैं, और सबसे हेल्दी सबसे लाइट ऑप्शन होता है डिनर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही था। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा बड़ा सा पता नहीं कितना होगा। तो बस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, और यस, परी के चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और परी की वीडियोज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है वो भी जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच आप लोगों इतने सारे प्यार के लिए। और यस यस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं जिन लोगों का बर्थडे विश करना भूल गई और एनिवर्सरी विश करना भूल गई, आई एम वेरी सॉरी, मुझे मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। परी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ इसके लिए। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना अपना रिव्यू देते हैं, कैसा है सूप इधर करके बताओ, अच्छा बनाया ना मम्मा ने, थैंक यू, से बाय बाय, ओके बाय।